तो दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 9 का जो मैच नंबर 8 है वो खेला जाएगा तेलुगु टाइटंस और बंगाल वॉरियर्स की टीमों के बीच में। इस वीडियो में आपको बताने वाला उस मैच के लिए दोनों ही टीमों की बेस्ट स्टार्टिंग 7 के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर मैच डिटेल्स की, तो ये वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, तो आप कीजिए वीडियो को देखिए लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो की। यहाँ पर दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं मैच डिटेल्स की, तो यह मैच होने वाला प्रो कबड्डी सीजन 9 का 8वां मैच जो कि खेला जाएगा बंगाल और तेलुगु की टीमों के बीच में। शाम को 8:30 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है बेंगलोर के स्टेडियम के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स की टीम की स्टार्टिंग 7 के बारे में। तो हमें सेंटर पर दिखाई देने वाले टीम कप्तान मनिंदर सिंह। बात करें यहाँ पर टीम के कवर्स की, तो राइट कोर पर हमें दिखाई देंगे आशीष सांगवान और लेफ्ट कोर पर उनका साथ देने वाले हैं बालाजी डी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टीम के सेकेंड रेडर की, तो वो होने वाले हैं श्रीकांत जाधव और टीम के यहाँ पर थर्ड रेडर होने वाले हैं मनोज गौड़ा। बात करें यहाँ पर टीम के कॉर्नर्स की, तो हमें राइट कॉर्नर में दिखाई देंगे शुभम शिंदे और लेफ्ट कॉर्नर पर हमें दिखाई देने वाले गिरीश मारुति और नेक। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पिछले मैच की परफॉर्मेंस की सभी प्लेयर्स की, तो यहाँ पर मनिंदर सिंह ने 7 यहाँ पर रेडिंग में पॉइंट स्कोर की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 1 पॉइंट यहाँ पर मिला था कवर में आशीष सांगवान को और बालाजी डी और यहाँ पर शुभम शिंदे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, उन्हें यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों गिरीश मारुति और नेक ने प्रो कबड्डी सीजन 9 का अपना पहला हाई फाइव लगाया था, उनको यहाँ पर 6 टैकल पॉइंट मिले थे और जो दीपक निवास उड्डा उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही थी। मनोज गौड़ा ने सब्स्टिट्यूट में आकर के उनकी जगह पर यहाँ पर 8 हेड पॉइंट हासिल किए थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी दूसरी टीम की बेस्ट स्टार्टिंग 7 के बारे में जो कि यहाँ पर तेलुगु टाइटंस की टीम। तो हमें सेंटर पर दिखाई देने वाले बाहुबली सिद्धार्थ देसाई और बात करें यहाँ पर टीम के कवर्स, तो राइट कोर पर होने वाले टीम कैप्टन सुजीत सिंह और लेफ्ट कोर पर हमें दिखाई देने वाले प्रवेश फैसवाल। बात करें यहाँ पर टीम के सेकेंड रेडर की, तो वो होने वाले यंग प्लेयर विनय और यहाँ पर टीम के थर्ड रेडर होने वाले रजनीश दलाल। अब बात करते हैं यहाँ पर टीम के कॉर्नर्स की, तो हमें राइट कॉर्नर में दिखाई देने वाले हैं रविंदर पहल और लेफ्ट कॉर्नर पर उनका साथ देने वाले विशाल भारद्वाज। तो ये थे यहाँ पर दोस्तों तेलुगु टाइटंस की टीम की स्टार्टिंग 7। यहाँ पर पिछले मैच के अंदर जो मोनू गोयता उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन थी, तो उनकी जगह पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में आकर के रजनीश ने शानदार रनिंग की और 7 पॉइंट उनको मिले थे। 7 पॉइंट यहाँ पर मिले थे यंग रेडर विनय को, उन्होंने अपने डेब्यू मैच में शानदार परफॉर्मेंस दी। 4 पॉइंट यहाँ पर सिद्धार्थ देसाई को मिले रेडिंग में, तो तीनों प्लेयर यहाँ पर इस मैच में रेडिंग की कमान संभालने वाले हैं। डिफेंस में यहाँ पर दोस्तों 3 पॉइंट के लेफ्ट कवर से प्रवेश फैसवाल को मिले, 1 पॉइंट यहाँ पर सुरजीत सिंह को मिला था रविंद्र पहल को, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मिले यहाँ पर विशाल भारद्वाज को। तो ये थी यहाँ पर दोस्तों इस मैच के लिए दोनों ही टीमों की स्टार्टिंग 7। आप यहाँ पर हमें कमेंट के जरूर बताएं कि कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।